तो दोस्तों, आपका आज असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था, और जैसा आप सभी को पता ही कि 1 तारीख से आपके असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्ज़ाम चलने वाले हैं, जो आपके 8 फरवरी तक चलेंगे। तो आज का एग्ज़ाम कैसा रहा असिस्टेंट ऑपरेटर का? तो असिस्टेंट ऑपरेटर की दोस्तों, अगर हम लोग एग्ज़ाम की बात करते हैं तो आपका लेवल मॉडरेट ही था, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हिंदी की, तो हिंदी में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं हिंदी साहित्य से। और हिंदी साहित्य में भी दोस्तों क्वेश्चन ठीक ठाक मतलब पूछे जा रहे हैं। आप लोग मानकर चलिए कि सब चीज़ आपको देख कर जाना पड़ेगी, जितने आपके पुरस्कार थे हिंदी से वो भी देख कर जाना पड़ेगा, उपन्यास कहानी ये सब कुछ दोस्तों आपको हिंदी के लिए देख कर जाना पड़ेगी। तो हिंदी में दोस्तों आपके लिए हिंदी साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका एग्ज़ाम कल है उनके लिए भी, और जिनका एग्ज़ाम आने वाले 8 तारीख तक है सभी को लिए हिंदी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपकी फिजिक्स के क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं, और यहाँ से थ्योरी के दोस्तों क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं असिस्टेंट ऑपरेटर में, जहाँ पर आपका ऑप्टिक्स वगैरह है और आपके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है दोस्तों, जो क्वेश्चन है विद्युत वाले जो क्वेश्चन है, वहां से खूब क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे जा रहे हैं। तो असिस्टेंट ऑपरेटर की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों आपके लिए, एक तो मैंने बता दी हिंदी साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। हिंदी साहित्य में दोस्तों आपको मैंने सारी चीजें बता दी क्या क्या चीज है, एक बार दोस्तों मैं और आपको क्लियर कर देता हूं। तो हिंदी साहित्य में दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हिंदी व अन्य भारतीय भाषा है, एक तो आपकी ये हिंदी साहित्य में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी दोस्तों आपको चीज़ें पढ़ लेनी है, प्रसिद्ध कवि एवं लेखक और उनकी रचनाएं, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी भाषा में पुरस्कार, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत बच्चे पढ़कर जाते हैं, लेकिन एक ब्यास करकर भी होता है, ठीक है, ब्यास सम्मान, ब्यास पुरस्कार भरकर, उसको भी दोस्तों आप लोग जरूर पढ़कर जाना, ठीक है। तो हिंदी साहित्य आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हिंदी के लिए। बाकी फिजिक्स दोस्तों खूब क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे ये भी बता रहे हैं, देखिए मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये सब बच्चे जो मुझे बताते हैं उसी के हिसाब से दोस्तों मैं बोल रहा हूँ। तो आज मेरी एक लड़के से बात हुई थी, उसने मुझसे कहा कि सर, मैंने पूछा जीके जीएस में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसने मुझसे यही कहा कि सर जीके जीएस में जहाँ तक है सबसे ज़्यादा जो वेटेज रह रहा है वो रह रहा है दोस्तों फिजिक्स का। तो साइंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइंस के अलावा अगर आप साइंस नहीं पढ़ते हैं और आप सोचते हैं कि जीके जीएस पर दोस्तों हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो साइंस के बगैर दोस्तों बहुत दिक्कत आने वाली है। तो साइंस में दोस्तों मैंने आपको बताया कि थ्योरी जरूर पढ़ना दोस्तों, और असिस्टेंट ऑपरेटर में न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा नहीं आए थे, हेड ऑपरेटर में दोस्तों न्यूमेरिकल आपको खूब देखने को मिले थे। तो असिस्टेंट ऑपरेटर में दोस्तों आपको थ्योरी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी ने थ्योरी नहीं देखी है दोस्तों, इसी चैनल की वीडियो के नीचे लिंक में दोस्तों पूरी मैं मैराथन डलवा दे रहा हूँ, पूरी दोस्तों आपको मैराथन उसमें देखने को मिल जाएगी थ्योरी वाली, आप उसको भी दोस्तों 2 गुना स्पीड पर कर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने PDF भी दोस्तों डलवा रखी है अपने टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी साइंस की, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो जितना दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ हिंदी साहित्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ के लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो मैथ दोस्तों इजी आ रही है, इजी टू मॉडरेट ही दोस्तों आपको मैथ देखने को मिल रही है, और रीजनिंग में दोस्तों आपको आराम से रीजनिंग कर लेंगे, बस आपको रीजनिंग में दोस्तों पकड़ना है कि कौन सी दोस्तों ट्रिक से आपकी ये रीजनिंग बन रही है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। जैसे मान लीजिए आपका जो सवाल आता है दोस्तों नंबर सीरीज का, तो नंबर सीरीज में आपको ये पकड़ना है कि कितने से गुणा कर ये वाली संख्या बन रही है, इससे इतने गुणा कर ये वाली संख्या बन रही है। तो अगर आपने एक बार चीज पकड़ ली कि इस तरीके से बन रहा है तो बहुत आसान है, आपको बस दोस्तों चीज पकड़ना है, चीज पकड़ने में थोड़ा समय लगेगा, जैसे ही आपने पकड़ा नहीं दोस्तों आराम से सवाल आपका हो जाएगा। तो रीजनिंग भी दोस्तों सही आ रही है, आराम से आप लोग कर लेंगे रीजनिंग। बाकी 40-40 क्वेश्चन सभी दोस्तों आ रहे हैं, आप सभी को पता है, तो सभी को आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जिनका कल एग्जाम है सभी का दोस्तों एग्जाम अच्छा होगा। और जो मैं बता रहा हूँ हिंदी साहित्य दोस्तों जरूर देख लेना, क्यों दोस्तों हर एक सब्जेक्ट में 50% नंबर करना अनिवार्य है, इसलिए हिंदी साहित्य आप लोग जरूर पढ़ना, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई सबको? असिस्टेंट ऑपरेटर वालों को हिंदी साहित्य पर जरूर दोस्तों फोकस करना है, जितनी दोस्तों मैंने चीज़ें बताई आपको, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं पढ़ लेना, उनकी रचनाएं, प्रसिद्ध कवि और रचनाएं पढ़ लेना, हिंदी भाषा में पुरस्कार पढ़ लेना, ये दोस्तों सब हिंदी साहित्य की दोस्तों आपकी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ दोस्तों आपको पढ़कर जाना है, हिंदी भाषा का विकास कहाँ से होता है, हिंदी के विकास का क्रम क्या है दोस्तों, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और आपकी पश्चिमी हिंदी कौन कौन सी होती है, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा होती है, ऐसे ही आपकी राजस्थानी हिंदी में जयपुरी है, मेवाती है, मालवी है, मारवाड़ी है, ये सब चीज़ें दोस्तों, ठीक है। और आपकी कौन कौन सी लिपि होती है, सिंधु लिपि, हरुष्टि लिपि, ब्राह्मी लिपि, तो ये लिपि वाले सब चीज़ें हो जाती हैं। तो मतलब कुल मिला के हिंदी साहित्य दोस्तों आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी सब कुछ दोस्तों आप पढ़ना, आराम से देना पेपर, नो टेंशन, जितना पढ़ा है आपने वेस्ट है, 100% दीजिए, जितनी आपने मेहनत करी है आप सभी को दोस्तों सलाम है, और जितनी आपने मेहनत करी है उसके हिसाब से एग्जाम दीजिए, बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को मेरी तरफ से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कभी कल परसों जब भी दोस्तों मुलाकात होगी। जय हिंद।